सो फाइनली गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 जो कि गेमिंग के लिए आप लोगों को 60 पीस से लेकर 90 पीस तक निकल के दे देगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो भाई कि सभी फोन न्यू फोन होने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, आपको सेकेंड हैंड फोन मिलेगा लेकिन वारंटी के अंदर मिलेगा। और सबसे बेस्ट कौन सा होगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर न्यू फोन से भाई अगर आप लोग न्यू फोन परचेज करोगे उसको बेचने जाओगे तो आपको प्राइस उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक सेकेंड हैंड फोन को आप लोग बेचने जाओगे तो उसका आप लोग को मतलब जिस प्राइस से आपने परचेस किया आप लोग यूज़ भी कर पाओगे और पेचे जाओगे तो प्राइस भी आप लोग को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसके लिए भाई टॉप फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ जो 15,000 के अंदर आप लोग परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत अच्छा गेमिंग चल जाएगा और रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। और चीज़ जो मेरे भाई मुझे आप लोग को बताना था, थोड़ा सुन के जाओ, कि मेरा भाई कुछ इतने दिन से वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा हेल्थ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। डॉक्टर के पास गया था, वो बहुत बड़ा बड़ा टेस्ट दिया, कुछ कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी वगैरह, क्योंकि भाई उन लोग को शक है कि कोलोन कैंसर वगैरह या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो बाद में पता नहीं भाई मिलेंगे फिर नहीं, कुछ हो जाए तो ज़रूर प्रे करना। कल टेस्ट भी है और बहुत दिन से वीडियो नहीं आया इसके लिए सॉरी, तो जल्द से जल्द चैनल पर वीडियो आएगा अगर सब कुछ सही निकला तो चलो थोड़ा प्रे कर देना। आज जो फोन है गाइज आप लोगों को मिल जाएगा रियलमी की तरफ से, रियलमी का GT Neo 3, जो कि एकदम बहुत अच्छा फ़ोन है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो भी बना था, इसके ऊपर मैंने एक गेमिंग टेस्ट वीडियो, इसका फुल रिव्यू वीडियो सब कुछ मैंने चैनल पर बना के रखा है। अदरवाइज गाइज फोन के अंदर हम लोग को मीडियाटेक डायमंडसिटी 8100 का प्रोसेसर देखने मिलता है, 8100 का, उसके अंदर आप लोग को 60 पीस पर गेमिंग मिल जाएगा। और अगर आप लोग देखो भाई फोन के अंदर एंटीटू स्कोर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। फ़ोन के अंदर भाई आप लोग को 9 लाख के ऊपर एंटीटू स्कोर, लगभग 9 लाख के करीब फिर उससे थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। और ओवरऑल फ़ोन भाई काफ़ी अच्छा है, मतलब गेमिंग के लिए, ऑलराउंडर यूजर्स के लिए, क्योंकि फ़ोन के अंदर हम लोग को जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है इतना पावरफुल है। फ़ोन के अंदर सोनी IMX766 का आप लोग को सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। बैक कैमरा तो नाइट में बोलो ही मत, एकदम बहुत सही कैमरा है। ओवरऑल गाइस ये फ़ोन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिलेगा, 150W का चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये फ़ोन 25,000 के अंदर न्यू देखने को मिल रहा था कुछ दिन पहले, जिसका मतलब अगर बोले भाई इस फ़ोन का जो ओवरऑल फ़ोन का जो प्राइस था 12GB रैम वाला वेरिएंट का, लेकिन अभी भाई अगर आप लोग 12GB रैम को परचेस करने जाओगे 15-16 हज़ार में आप लोग को सेकेंड हैंड अंडर 180 के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि 8-9 महीने पुराना हो सकता है। नेक्स्ट जो फ़ोन मैं आप लोग को सजेस्ट करने वाला होगा इस वो है गाइस IQOO की तरफ से IQOO का Neo 7। वो भी फ़ोन गाइस आप लोग को 18-19 हज़ार के अंदर देखने को मिल रहा था कुछ दिन पहले सेकेंड हैंड, ठीक है, न्यू नहीं, इसका न्यू प्राइस 25,000 ऐसा कुछ था, लेकिन आप लोग अगर खोज लगाओगे 16-17 हज़ार के अंदर ये फोन आप लोगों को मिल जाएगा। 8GB का रैम देखने को मिलेगा, डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, फोन के अंदर 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, उसके साथ गाइस फोन के अंदर चार्जर देखने को मिलेगा, 120W का आप लोगों को फास्ट चार्जर फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर भी आप लोग 90 FPS पर बहुत अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, पिछले वाले फोन के अंदर 60 FPS पर, और उस फोन के अंदर इंटेलिजेंट गेमिंग चिप था, डिस्प्ले चिप था, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इस फोन के अंदर 90 FPS देखने को मिलेगा, तो दोनों ही फोन काफी अच्छे, दोनों के अंदर आप लोगों को कौन सा ब्रांड अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप लोग फोन को परचेस कर सकते हो। और भी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना, ये दोनों फोन के अंदर कौन सा फोन आपको ज्यादा बेस्ट लगा वो भी जरूर कमेंट करना। वीडियो थोड़ा छोटा है भाई क्योंकि थोड़ा टेंशन में हूँ, और जरूर आप लोग प्रे करना, थोड़ा कुछ पूछना है तो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।